फिर आज आपको मैं दिखाऊंगा कसार देवी मंदिर जो सबसे टॉप में है, अल्मोड़ा के सबसे टॉप में है। मैंने इज द ब्यूटी ऑफ उत्तराखंड। खाई जैसी लग रही है, खाई नहीं है। ये जो हमने सोचा है कसार देवी मंदिर को चलेंगे, फिर उसके बाद हम बैठेंगे कहीं पर रेस्टोरेंट में एंड 200-300 वहाँ तुम्हें अंग्रेज मिलेंगे, फॉरनर मिलेंगे, दे लीव। सो गाइस, अभी मैं घर से ऊपर आ गया हूँ एंड टुडे इज़ माय चीट डे, संडे आज। तो देखो, 6 दिन आई टुक ए प्रॉपर डाइट, पहले कार का ये मजबूरी नहीं होती, ठीक है ना। देखो यार, एक हेल्थी लाइफस्टाइल आप डेली चलाते हो, ठीक है ना, बट हाँ, अगर मैं एक्सट्रीम लेवल पे जाता हूँ, एक्सट्रीम लेवल मीन दैट कि मुझे बहुत स्टेडी रहना है, राइट, बहुत एप्स दिखने चाहिए। और मुझे यार, तुम्हें पता है कि मैंने बहुत लंबा पीरियड लिया था बीच में, आई स्टॉप इट फॉर 1.5 ईयर, अराउंड 2 ईयर, क्योंकि कोविड वगैरह भी था। तो बट राइट नाउ आई एम अगेन गेट माय फिजिक बैक एंड एट दिस टाइम आई एम गेटिंग ए बेटर लेवल, बेटर फिजिक मोर देन माय पास्ट, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ही मैंने पुश ऑन किया अपने आप को। खैर छोड़ो, तो बट आज ये चीज़ें तो, और हाँ, अगेन आई टेल यू कि व्हाट यू विल गेट इन माय चैनल, ठीक है ना। देखो यार, मेरा चैनल है कि मैं आपको ब्लॉगिंग से अपनी लाइफस्टाइल, अपना पहाड़ दिखाऊंगा, ठीक है ना, एंड वी डिस्कस वेरी गुड इन्फॉर्मेशन अबाउट फिटनेस एंड ए हेल्थी लाइफस्टाइल, ठीक है ना। एंड पहाड़ तो हेल्थी है यार, देखो हवा बिल्कुल, अभी यहाँ हरे भरे पेड़ दिख रहे होंगे तुम्हें, राइट। सो अभी मैं जा रहा हूँ अपने भाई के साथ, वो बैठा वहाँ पर, राइट, आई थिंक या। तो यहाँ से कसार देवी एक टूरिस्ट प्लेस है, बहुत अच्छा है, मतलब बहुत फॉरेनर आते हैं यार, अंग्रेज़ तो, मतलब 200-300 तुम्हें अंग्रेज़ मिलेंगे, फॉरेनर मिलेंगे, दे लिव्ड फॉर ए लॉन्ग, यू नो, फॉर लॉन्ग टाइम से रह रहे हैं लोग दो एक महीने के लिए आते हैं, कोई 2-3 साल के लिए आते हैं, दे लिव हियर। तो बहुत वहाँ से माउंटेन व्यू दिखता है अच्छा, मतलब हिमालय। तो आज हम जस्ट कुछ खाने पीने जा रहे हैं, जस्ट ऐसे ही संडे है तो आज मैं कहीं गया नहीं बाहर, तो वहाँ खाने पीने एंड आफ्टर दैट घर के लिए भी कुछ लेके आएंगे। एंड फिर आज आपको मैं दिखाऊंगा कसार देवी मंदिर जो सबसे टॉप में है, अल्मोड़ा के सबसे टॉप में है। मैंने पिछली वीडियोज में आपने देखा होगा कि मैं उंगली से वहाँ पे इशारा कर रहा हूँ कि वहाँ, तो उतने टॉप में। चलो, स्कूटी के टाइम पे भाई पीछे से पकड़ेगा मोबाइल, अभी तो मैंने स्टैंड ले नहीं रखा है जब मैं ड्राइविंग करूँ, तो चलो बीच बीच का आपका रास्ता दिखाते हैं, पहाड़ी रास्ते का। तो स्टे ट्यून विथ मी। देखो यार, ये होती है पहाड़ी रोड। माउंटेन व्यू में नहीं गए हो ना विजिट करने, तो श्योरली यू हैव टू गो एंड विजिट देयर, राइट। एंड थोड़ी यहाँ पर ऊबड़ खाबड़, सो दिस इज, ये देखो भाई, ये डेली का रूट है अपना। अगर तुम पहाड़ में चलाने वाले लड़के हो या लड़की हो, तो तुम अपने आप को राइडर कह सकते हो, क्योंकि यहाँ जिसने स्कूटी बाइक या गाड़ी चला दी तो वो कहीं भी चला सकता है, क्योंकि इतनी टेढ़ी मेढ़ी रोड होती है, इतनी छोटी रोड होती है, और वहाँ से भी आ रही गाड़ी है, यहाँ से भी आ रही, तो दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लर्न हियर, बट एक बार जब आप सीख जाते हो तो दैट इज, देखो जैसा ही है ये। तो अभी पहले जो हमने सोचा है कसार देवी मंदिर को चलेंगे, फिर उसके बाद हम बैठेंगे कहीं पर रेस्टोरेंट में एंड
कुछ मोमो चाउमीन जो जो भी कुछ अच्छा होगा देन वो खाएंगे। ये यहाँ पर सार्क मोड़, तो मोड़ में स्पीड कम बेस्ट। अब देख लो यार, मैं ऐसी जगहों पर रहता हूँ ठीक है ना, एक अच्छी हवा यहाँ सांस लेने को, अच्छा पानी ठीक है ना, जैसे तुम मिनरल वाटर जो बोतल में खरीद के पीते हो ना, तो वही चीज़ हम पीते हैं घर में अपने जो पहाड़ के स्रोत होते हैं उनसे। तो यार लाइफ इज़ ऑसम हियर यार, आई डू नॉट वॉन्ट टू गो आउटसाइड ऑफ माई होम एंड बट यार इन फ्यूचर तो जाना ही पड़ेगा राइट। अभी तो वर्क फ्रॉम होम चला था, दैट इज़ ग्रेट एंड वेरी ग्रेट फॉर मी। विथ वर्क फ्रॉम होम आई कैन इन्जॉय माई लाइफ बेसिकली। एंड गुड़गांव नोएडा में जब जाता हूँ यार, वहाँ तो बिल्डिंगें हैं, मतलब ऑफकोर्स दैट इज़ गुड एरिया टू लीव, पॉश एरिया एंड अब मैनी थिंग, बट ये तो जन्नत है यार, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। चाहे आप गुड़गांव में 20वें क्या बोलते हैं फ्लोर पर घर ले लो, रूम ले लो, यार रहो कुछ भी यार, खेल छोड़ो। तो देखो जैसे यहाँ पर कैफे हैं छोटे छोटे से, मतलब लोग आते हैं मार्केट से यहाँ एंड जो लोग टूरिस्ट भी आते हैं, ये बगल में एक होटल है बड़ा सा, ये कैफे है जस्ट, तो काफ़ी अच्छा यहाँ लोग क्या बोलते हैं, दे अर्न वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द टूरिज्म, बाय द टूरिज्म। तो मेनली ये देखो कि हमें जाना है, अरे कहाँ ला रहा है, ओ देखो दिस इज नैरो रोड, बट कोई नहीं, स्कूटी वालों के लिए तो ना कोई ट्रैफिक ना कुछ, कहीं से भी निकाल लेंगे हम गाड़ी। ओहो यो वॉमिटिंग कर रही है, हट तो इस रास्ते से चलते हैं। अभी थोड़ी इस गाड़ी से दूरी बना के रखनी पड़ेगी क्योंकि पहाड़ी पे यार आप वो ट्रैवल करते हैं ना, वॉमिटिंग भी होती है। तो सीज देखो बेसिकली मैक्सिमम टाइम मैं यहीं बैठता हूँ डोलमा में कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि यहाँ से व्यूज़ भी दिखते हैं। ये बहुत पुराना है, मतलब मंदिर पर पहुँच चुके हम, दिस इज़ द वे वेर यू कैन, आप यहाँ से जा सकते हो, बट अभी हम ले जाएंगे गाड़ी, जो गाड़ी का रास्ता आगे से है जहाँ से आप बाइक से ऊपर की तरफ जा सकते हो। सो ये साइड से रास्ता कटता है जहाँ पर मतलब मंदिर के नज़दीक है, वहाँ से एक शॉर्ट रास्ता है, बाकी यहाँ लोग पहाड़ में घूमने जाते हैं। तो इफ़ यू आर फ्रॉम यू नो नॉट फ्रॉम द उत्तराखंड और इफ़ यू नेवर विजिटेड कसार देवी एवर, सो जस्ट कम हियर यार, बहुत अच्छा व्यू आता है। बट मैं रुक जा, सो देखो यहाँ पर मैक्सिमम लोग आए होंगे, सो आई स्टॉप माई व्हीकल हियर। सो देखो यहाँ पर स्कूटी पार्क है मेरी, तो ये रास्ता है एंड ये वाला रास्ता ज़्यादा लंबा है क्योंकि वो रोड से आता नीचे से। सो दिस इज़ द वे, बिल्कुल हरे भरे पहाड़ देख लो यार, इज़ द ब्यूटी ऑफ उत्तराखंड। तो काफ़ी लोग यहाँ पर जैसे मेले वेले टाइम पर रहता ना कुछ त्यौहार वगैरह, तब बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, हद से ज़्यादा पूरा भरा पड़ा रहता है सब कुछ, सीढ़ी सीढ़ी तक लाइन। तो जस्ट 1890 के दशक में जाना जाता था,
स्वामी विवेकानंद ने यहाँ दौर किया। सो स्वामी विवेकानंद विजिटेड हियर इन 1890 यू कैन या। सो यह माता का मंदिर सेवकानेश्वर। सो यहाँ पर हम जूते उतार लेते अपने, कम लोग हैं, चोरी होने का डर रहता है नहीं। सो ये देखो खाई जैसी लग रही है, खाई नहीं है बेसिकली। ये है अल्मोड़ा मार्केट। ये मंदिर बट ये टॉप का है, सबसे टॉप में। मेन थिंग इज दैट बहुत काफ़ी लोग आते हैं, तो कम लोग हैं यहाँ, ठीक है ना। सो अभी हम चलते नीचे को कुछ खा लेंगे, क्योंकि मंदिर में प्रॉपरली गया नहीं, मतलब पूजा पाठ करने, क्योंकि अभी वैसे तैयार होकर नहीं आए थे, मतलब घर से वैसे थे। और वैसे नहीं आते हम त्यौहार वगैरह में, या शिवरात्रि में भी कुछ टाइम बाद होने वाली है, तो तब आएंगे प्रॉपरली, तो उस टाइम पर पूजा पाठ करके। सो यहाँ पर लोग आकर फोटो खिंचाते हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मस्त वीडियो आ रहा है। बाई चांस गिर गए नीचे फोटोग्राफर, एक वहाँ पर है अभी, वहाँ पर भी चलते हैं। ये देखो मंदिर, सेम वे फ्रॉम हियर। आई थिंक मेरे इंस्टाग्राम पर कुछ फोटोज होंगी यहाँ की, बहुत अच्छी खासी है इस टाइम पर। पूरा का पूरा अल्मोड़ा दिखते हैं यहाँ से। आज थोड़ी पता नहीं है कोहरे की वजह से ऐसा है। देखो बहुत तेज यहाँ पर और दिखाई दिया, डेंजर है यहाँ पर बैठ। देख लो यार मेरा फेस तो विजिबल होगा नहीं, बट यू कैन एंजॉय दिस व्यू अल्टीमेट। हाँ 2021 में मैं आज टाइम निकाल सको, जस्ट थिंक फॉर योर फ्यूचर, थिंक फॉर योर बेटर, फॉर योर फैमिली, और एंजॉय। अब हम करते हैं फूड वाला एंजॉय, आगे जाते हैं तो वहाँ कुछ खाना अच्छा खा रहा है, क्योंकि आज सुबह का है ना, दिन में का नहीं। क्योंकि अच्छा मीट इन अ रेस्टोरेंट, चलो चले। पीछे बहुत ज़्यादा लाइट है, तो मेरा चेहरा दिख ही नहीं रहा होगा। स्विंग इन ब्लैक स्वेटर,
हाँ और साथ में अभी मैं एडिटिंग का भी चल रहा हूँ। सो अभी हाफ चाउमीन और हाफ मोमो अभी आना अभी बाकी है, आई थिंक आ गया। तो अपनी चाउमीन भी आ गई और अभी दो चाय और मोमो आना भी बाकी है। सो बाकी दिन मैं अपना ख्याल रखता हूँ। देखो ये खाना भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि मैंने ये चीज़ बताया खाने के लिए, घूमने के लिए इतनी जगह है, खाने के लिए इतनी चीज़ें हैं, बट हमें अपने आप शरीर का बेसिकली ध्यान रखना है ताकि विल नॉट ईट द बैड थिंग जो हमें इन फ्यूचर बहुत हार्मफुल रहेगा, ठीक है ना। तो बाकी दिन मैं बहुत अच्छा डाइट ले रहा हूँ, आज भी ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा है। तुम हाईली कंज्यूम करोगे, डेली करोगे और अपनी बात, अगर आप अच्छी चीज़ भी कंज्यूम करो बट यू आर नॉट डूइंग एक्सरसाइज एंड यू आर नॉट डूइंग हेल्थी लाइफ स्टाइल, सो दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर फ्यूचर, क्योंकि यार वी आर लिविंग एट डेस्क, मतलब जो हमारी जनरेशन है वी आर ईटिंग वेरी लॉट्स ऑफ पैक्ड फूड, ठीक है ना, कितना तला भुना ये सब कुछ बेसिकली वी इंडियन, राइट। सो तो आई होप कि अभी चॉकलेट आफ्टर दैट, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड जस्ट डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट अपना रिव्यू। आपने भी कभी ऐसा, मतलब इफ़ यू विजिटेड हेयर, इफ़ यू आर फ्रॉम उत्तराखंड अल्मोड़ा एंड अगर नहीं हो तो यार जस्ट कम टू आवर प्लेस, मोस्ट वेलकम ऑफ यू, राइट। तो अभी घर चलना है। सो हमारी स्कूटी हो चुकी थी यार, लेट्स अब घर को चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।